बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारी क्लास होगी 12वीं क्लास में सक्सेस की, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है क्वेरी। क्वेरी के मुख्तलिफ टाइप्स हम पढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने आज के क्लास में पढ़ना है क्या वो डेटा कैन बी डिलीटेड बाय अ क्वेरी, डेटा को कैसे डिलीट किया जा सकता है किसी क्वेरी के थ्रू। डेटा को अगर हम कहते हैं कि क्वेरी के थ्रू डिलीट करने का एप्लीकेशन किस चीज़ का आएगा, क्यों डिलीट करें, सिंपल से क्वेरी के अंदर जाके डिलीट मारे, यहाँ से राइट क्लिक करें डिलीट मारे। क्राइटेरिया में डेटा के अंदर किसी क्वेरी के थ्रू मैं यूं कहता हूँ कि डेटाबेस डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम एक मैनेजमेंट का नाम है। हम इसको बटन्स के अंदर, क्लिक्स के अंदर, हम जो है एक बंदे को टेबल्स को भी नहीं दिखाएंगे, जिस सिंपल सा काम है फॉर्म के जरिए, सारा का सारा फॉर्म पे क्लिक कर लिया, काम हो गया। जिस पे क्लिक कर लिया, जैसे अभी ये फॉर्म मैंने लेना है, इसको यहाँ से क्लिक कर लिया, हो गया। यहाँ से स्टार्ट क्लास कर दिया, ये हो गया। आप इसके अंदर हमने क्लियर थंबनेल कर दिया, ये हो गया। तो ये होता ही है कि हम इसको क्लिक पे काम कर रहे होते हैं कि हम टेबल के अंदर जाके डिलीट मारो, जिसको सेट करो, फिल्टर करो, ये सारा टेबल्स के अंदर, क्योंकि डिजाइन में कोई एंट्री करने वाले का कोई काम ही नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ से बटन पे करना चाहते हैं सब कुछ। तो हमने पूरे डेटा को डिलीट कराना है, ठीक है ना। अगर ये एप्लीकेशन नहीं भी हुआ तो ये तो हो सकता है क्राइटेरिया में से कोई खास डेटा उठा लो, फॉर एग्जांपल बच्चे फेल हैं, कुछ बच्चे फेल हैं, फेल वालों को मैंने कहा उड़ाओ सबको, डिलीट करो जी, ख़त्म करो, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद बाई पैरामीटर कोई खास हो डेटा को, कोई सी और क्राइटेरिया के ऊपर किसी खास डेटा को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ये भी हो सकता है। अभी मैं चला जाता हूँ क्यूरी में। एक क्यूरी पे डिलीट, क्यूरी चलाने से पहले मैं काम करूँगा, ये जो हमारे पास कोई ऐसे डेटा के साथ छेड़ेंगे जो डिलीट होने से भी फर्क ना पड़े, इस सीएसवी एग्जांपल को राइट क्लिक करूँगा, इसको रिनेम करूँगा। मुझे बार दफ़ा नाजरीन डमी टेबल्स बनानी पड़ रही हैं, इसकी वजह यह कि मैं ऐसी चीज़ें छेड़ रहा होता हूँ जिससे डेटा ज़्यादा होता है, फिर डेटा दोबारा कैसे बनाए, फिर इतना टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं जब डेटा के ऊपर इफेक्टेड करने वाले काम होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ डमी टेबल बना के इसके ऊपर काम कराया जाए। ये डमी टेबल बनाइए, डमी टेबल को हम उड़ा देंगे, ख़त्म करें, जो भी करें, ये हमने डेटा की एक डुप्लीकेट कापी बनाई है जिससे हमारे डेटा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए डमी के अंदर आते हैं, हमने सबसे पहले इसी की क्यूरी बनानी है। हम आए क्यूरी के अंदर, डिजाइन में आए। अब चूंकि मैंने क्यूरी बनानी है यहाँ से टेबल, याद रखें टेबल की भी क्यूरी बनती है, उसी तरह क्यूरी की भी क्यूरी बनती है। क्यूरी से भी हम फर्दर जो है इसके अंदर यूटिलाइजेशन करके डेटा मजीद फंक्शन चला सकते हैं नई क्यूरी बना के। इसीलिए फिलहाल हम टेबल से बनाएंगे, मेथड सेम होगा, क्यूरी से बनाए कोई काम करना क्यूरी से होगा, तो क्यूरी के अंदर काम कुछ मजीद स्पेशलाइज किया जा सकता है इस क्यूरी के, एक और क्यूरी बनाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आते हैं जी इसके अंदर टेबल में, ये डमी वाली टेबल उठाते हैं। मैं बस बता चुका हूँ आपको कि अगर डमी वाली टेबल में यहाँ से क्लिक करेंगे ये सारे का सारा इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये जो ये रिबन ऑफ करके रखता हूँ मैं, इसको आप कंफ्यूज ना हो, अमूमन होता इस तरह है ये, लेकिन मैं इस डेटाबेस में जो इसको चलाने के लिए इसको ये हमारे पास क्लैप्स करता हूँ, ये बंद हो जाती है, ये व्यू थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है मुझे, तो इसलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ। आप इसको यहाँ से इसको इस तरह भी रख सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने निकाला जी। अब इसमें अगर स्टार का बटन दबाता हूँ तो पूरे का पूरा आ गया। अब क्यूरी डिज़ाइन में आ गया, ये देखिए जी रन क्यूरी, पूरे का पूरा रन हो गया। इसको मैंने अभी सेफ नहीं किया, क्यूरी रन के नाम से आ रहा है। डिज़ाइन व्यू, इसके बाद ये क्यूरी की किस्में हैं, मेकअ टेबल क्लिक कर दें। मैंने कहा मेकअ टेबल कोई टेबल बनाना है, टेबल का नाम मैंने सी रख दिया, ठीक है ना। करंट डेटाबेस इसी डेटाबेस के अंदर बनाऊँ, किसी और डेटाबेस के अंदर बनाऊँ, मैं इसी डेटाबेस के अंदर सी नाम की टेबल बनेगी। आप ज़रा इसको सी नाम की टेबल यहाँ बन के आ जाएगी, जब इसको रन करेंगे यस, ये देखो सीसी नाम की टेबल बनी आ गई। तो ये सीसी नाम की टेबल हमने इस डेटा टेबल से बनाया, यहाँ पे मेकअ टेबल से। सिंपल बाय नेम से पता चल रहा है कि मेकअ टेबल का मतलब क्या है, मेकअ टेबल बनाओ। इसके बाद अपेंड एडिशन करने के लिए, उसको भी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। अपडेट, डेटा को अपडेट करना, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। अपडेट का मतलब है कोई चेंजेस लेके आना डेटा बेस के अंदर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे।
अच्छा क्रॉस टेप ये भी पढ़ेंगे, डिलीट क्यूरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। डिलीट क्यूरी में हम आते हैं डिलीट क्यूरी आगे। डिलीट क्यूरी के अंदर हमने लिया, अब सिंपल सी बात, इसको डिलीट क्यूरी बनाया, इसको मैंने सेव कर दिया। ये देखिए जी, ये जो क्यूरीज आ रही हैं यहाँ से आके क्यूरीज, ये क्यूरी इसका शेप देखें, इसका आइकन देखें। जब इस डिलीट क्यूरी को मैं सेव करता हूँ, मैंने कर दिया डिलीट, ओके, ये देखें इसका ऑप्शन चेंज हो गया। जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें इसको मैं बंद करता हूँ, ये देखो आप इसको एक वार्निंग दे रहे, यस करूंगा, क्या कहता है कि 238 रोज जो है डिलीट होने वाले हैं। अरे श्योर, यस करूंगा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसमें और थोड़े काम करने, तब इन्हें डिलीट नहीं करूंगा, लास्ट में करूंगा। अच्छा, इसको डिजाइनिंग ओपन करें, बिल्कुल इसी तरह ओपन हो जाता है। जब भी इस स्टार को हम लेके आते हैं तो पूरी टेबल आ जाती है। मैं स्टार को नहीं लाता, मैं सबसे पहले स्टूडेंट आई डी पूरी टेबल को लाता हूँ, स्टूडेंट नेम, कोड, फादर नेम, जो भी हमारे पास आ गया, डेट ऑफ बर्थ आया, क्लास आया, इमेज आया, जो भी है, हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पर डिलीट क्यूरी, अब डिलीट क्यूरी वेयर, क्या क्राइटेरिया हो, किसको डिलीट करें। मैंने कहा डिलीट क्यूरी करे हैं वेयर, जहाँ पर हमने कर दिया जी क्लास इक्वल टू, मैंने क्राइटेरिया लगाया प्रेप, मैंने कहा प्रेप क्लास को डिलीट मार दो जी। सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, या इसको यहाँ से डायरेक्ट बंद कर सकते थे, ओपन कर दिया, ये देखो यस जीरो रिकॉर्ड्स डिलीट हो रहे हैं, नहीं हो रहा, इसका मतलब है नहीं हो रहा। अब इसको देखेंगे क्यों नहीं हो रहा, हम इसको डिजाइनिंग में चले जाएंगे, डिजाइनिंग में चले जाते हैं, वो क्राइटेरिया इज प्रेप। अब इसको जरा हम देखें डमी के अंदर क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहा। टेबल के अंदर आ गए जी, डमी में आ गए, क्योंकि इसके अंदर मेरे ख्याल से प्रेप नाम का कोई है ही नहीं, तो लिहाजा हम इसको पी एस सी करते हैं, ये क्राइटेरिया लगा लेते हैं। डिजाइन में आए, सॉरी टेबल की डिजाइन में जा चुका हूँ, डिलीट क्यूरी की डिजाइन में गया, यहाँ से क्लास में आया, इसको मैंने ये वाला जो कॉपी किया कि प्री या थ्री, अब इसको सेव करें, सेव करने के बाद क्लोज करें, आए जी क्यूरी में, और यहाँ से जब मैं इसको रन करता हूँ, वार्निंग दे रहा है यस कर दें, कितना 30 रोज हो जाएंगे डिलीट। अब इसको यस कर देंगे, आप उसको देखेंगे कि 30 रोज कौन से हुए हैं, डिजाइन में चेक करें जी, ये 30 रोज प्री ईयर थ्री के 30 रोज डिलीट हो गए हैं। अगर आप देखना चाहें, आप टेबल में जाके देखें, जिस तरह हमने डमी वाले टेबल में, यहाँ देखें जी प्री ईयर थ्री यहाँ पर आ रहा था, प्री ईयर वन भी है, प्री ईयर टू भी है, प्री ईयर थ्री यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हमने कोई खास क्राइटेरिया पर नहीं लगाया। अब वही क्राइटेरिया जो है हम बाई पैरामीटर दे रहे हैं, यहाँ से कर लिया इंटर क्लास टू डिलीट, मैंने कर लिया प्लेन ब्रैकेट में। प्लेन ब्रैकेट में करने से क्या होता है, पहले भी बता चुका हूँ आपको, प्लेन ब्रैकेट में करने से होता ये है कि इसके अंदर जो है आफ्टर एग्जीक्यूशन हमसे पूछता है कि किस क्लास को करूँ, ये पहले अंदर क्राइटेरिया परमानेंटली सेट करने से बेहतर ये होता है, क्योंकि जब यूजर जो है काम कर रहा होता है, इसको क्लिक कर रहा होता है, वो खुद इसको गाइड करते हुए लेके जाएगा। अब हम आते हैं अपने इसके अंदर क्वेरी में आते हैं, किधर गए जी क्यूरी, अच्छा इसको हमने डिलीट कर दिया लगता है। तो नाजरीन, हमने आपको बताया कि जो क्यूरी के अंदर हमने क्या करना है, वो क्यूरी में से डिलीट कर दिया। तो हमने बताया ये था इसी क्लास में कि क्यूरी डेटा के अंदर डिलीट ऑल डेटा के लिए कैसे करें, अच्छा इसके बाद डिलीट डेटा बाय क्राइटेरिया कैसे करें, अच्छा डिलीट डेटा फाइल पैरामीटर कैसे करें। तीनों ऑप्शंस मैंने आपको डेमोस्ट्रेट कर चुका हूं, उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई होगी, और क्लास अगर समझ आ गई है तो लाइक ज़रूर करो जी। बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक लास्ट तक मेरी वीडियो देखी, आप सबकी बहुत मेहरबानी।